हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई एम बैक अगेन विथ अनदर मीशो इयररिंग्स हॉल, क्योंकि आप लोगों को मेरी इयररिंग्स हॉल ही पसंद आते हैं और कोई वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हो, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं फिर से एक हॉल वीडियो लेके आई हूँ। एंड और एक बार बताना, मेरे शॉर्ट हेयर्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? मेरे को तो बड़े मजे आ रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे। एंड अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि किस तरीके से मैंने अपने बाल कट किए हैं, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी मैंने वीडियो डाली हुई है कल, तो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो बातें हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले इयररिंग्स देख लेते हैं, सबके प्राइजेस सब कुछ हम लोग आज देख लेते हैं। पहला बॉक्स हम ये वाला खोलेंगे। अभी मैंने ये वाला बॉक्स ओपन नहीं किया हुआ है, अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, आपके सामने ही इसको मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ, ताकि मेरा जो रिएक्शन है ना वो आपके सामने ही दिखेगा। मतलब कुछ फेक रिएक्शन नहीं आ सकता कि ओ वाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर अच्छे हैं तो ऑफकोर्स आप लोगों को मेरा रिएक्शन से समझ ही आएगा, एंड खराब है तो भी समझ में आता ही है, मैं फेक नहीं कर सकती इसीलिए। ठीक है, तो ये बॉक्स हम लोग खोलते हैं। वाह, ठीक है, इसमें है 1, 2, 3 and 4 चार इयररिंग्स हैं इसमें। ठीक है, तो इनको हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक के बाद एक, सही बोल रही हूँ ना? पहले ये मेरे हाथ में आया है, तो यही देख लेते हैं। नाइस, आई थिंक अच्छा है, अच्छा है, इसके ऊपर वर्क अच्छा है। आई होप इट इज विजिबल। इस पे जो वर्क है ना वो बहुत नाजुक है एंड बहुत ही ज्यादा प्यारा है, हल्के हैं, बहुत ही ज्यादा टूट ना जाए कहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो वर्क है ना आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत ही नाजुक से है। वाओ, बहुत ही हल्के हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं इयररिंग्स पहने हैं, एंड दिखने में भी कितने प्रिटी दिख रहे हैं ना। बट यही है कि आपको इसको संभाल के पहनना पड़ेगा, यही समझ में आया मुझे इसको हाथ में पकड़ते ही, कि बहुत ही नाजुक है, टूट सकते हैं, आराम से टूट जाएंगे। सी, बहुत ही प्यारे हैं एंड हल्के हैं। सबसे पहली बात, आप लोग आराम से इनको कैरी कर सकते हैं कहाँ पर भी, बिल्कुल भी आपको ऐसे लटकेंगे नहीं, ऐसे फील ही नहीं होगा कि हाँ कुछ हैवी है, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत हल्के हैं, बहुत इजीली आप लोग कैरी कर सकते हैं। इस टाइम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, बट ऐसा होता रहता है, हमारे घर पे कोई आता रहता है एंड पार्सल्स आते रहते हैं सबसे पहले, तो अभी भी पार्सल ही आया था मिंत्रा का। यही कह रही थी मैं कि बहुत हल्के हैं, आप लोग आराम से इनको कैरी कर सकते हैं, दिखने में भी कितने प्यारे दिख रहे हैं ना, देख लो। मुझे तो मेरा लुक बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब शॉर्ट है, इयर रिंग्स, कुर्ती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ये ले सकते हैं। ठीक है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, एंड प्राइस भी बताऊंगी। प्राइस सुनोगे तो आप लोग डेफिनेटली इसके लिए जाओगे एंड ले लोगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट ईयर रिंग इसी बॉक्स में से, जो कि है ये वाली। जब मैंने मीशो पे देखे थे तब मुझे अच्छे लगे थे ये वाले ही, क्योंकि ऐसे जो है ना ऐसे नहीं थे मेरे पास, मैं ऐसे वाले ही देख के लेती हूँ जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी इयर रिंग्स मैंने इतने सारे मंगाए हैं ना आप लोगों को दिखाने के लिए, कि पूरा मतलब दुकान ही भर जाएगी मेरे पास, दुकान, वाह, दुकान ही हो जाएगी मेरे पास, इतने सारे इयर रिंग्स भरे पड़े हैं। तो यस, डेफिनेटली मैं आप लोगों में से किसी को तो गिफ्ट भी दे सकती हूँ, तो वो भी देखेंगे हम लोग, वो भी मैं दे सकती हूँ गिफ्ट, क्योंकि बहुत सारे इयर रिंग्स हैं, मैं इतने सारे तो कभी यूज नहीं करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को गिफ्ट दू इयर रिंग्स। ठीक है, राइट, मतलब पागल हो जाऊंगी मैं आज के इयर रिंग्स देख के, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न हैं ये, बहुत प्यारे हैं। सी, आई थिंक दीज आर रियली प्रिटी, एंड अगेन ये भी बहुत हल्के हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कान में कुछ पहना हुआ है, इतने हल्के हैं, बहुत प्यारे हैं। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बॉक्स, ये दोनों के लिए, तो ये दो इयर रिंग्स के लिए तो डेफिनेटली, इसके लिए और इसके लिए तो आप लोग देख लेना, आगे के मैं दिखाऊंगी, बट आई थिंक देख लो आप लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, एकदम गर्ली वाइब, एकदम परफेक्ट ट्रेडिशनल। अगर आपको कुछ कुर्ती पहनना है, आपको ऐसे लुक कैरी करना है ना, तो आप लोग पहन के जा सकते हैं आराम से।
यहाँ आ गया मेरा भाई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। हमेशा जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो डिस्टर्ब करने आ ही जाता है, और कैसे सज धज के जा रहा है, कैन यू सी। ऐसा किसने बोला है कि सिर्फ लड़कियाँ ही टाइम लगाती है रेडी होने के लिए। यहाँ पे देख लो कितना सजना संवरना हो रहा है इनका। देख लिया ना आप लोगों ने कैसे डिस्टर्बेंस होता है मेरे घर में, क्योंकि ऑफकोर्स घर में आप लोग रहते तो इंसान तो रहेंगे घर में, एंड आते जाते रहेंगे तो ये सब तो होता रहेगा। खैर छोड़ो, हम लोग देख लेते हैं इयररिंग्स, आप लोग देख लो। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस, बहुत प्यारे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। आप लोग कॉलेज यहाँ पे कुछ इवेंट है आपका, कुछ भी आप लोगों को ट्रेडिशनल पे कुछ पहनना है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। बहुत हल्के हैं, बहुत अच्छे हैं, एंड प्राइस तो बता दूंगी ना तो आप पागल ही हो जाओगे एंड आप ऑर्डर कर दोगे, क्योंकि इतने सस्ते हैं। आई एम टेलिंग यू बहुत सस्ते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही मार्केट में जाती हूँ ना कभी भी घूमने के लिए, एंड वहाँ पे जब मैं इयररिंग्स, आप लोगों को पता है ना वो ऐसे कुछ घुमाने वाला कुछ होता है ना वहाँ पे जिसपे हम लोग इयररिंग्स देखते हैं लड़कियाँ, तो उसपे एक इयररिंग ही 100-200 रुपए को होती है ऐसी वाली। एंड मीशो पे आप लोगों को कॉम्बो पैक ही उतने में मिलता है 150 रुपए में, 200 में। तो आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट थिंग अबाउट मीशो। तो हमारी आदत बिगाड़ रहा है एक्चुअली मीशो, क्योंकि एक इयररिंग 100 रुपए को लेने से अच्छा है हम लोग 4 इयररिंग ले लेंगे। इजंट इट ग्रेट। थर्ड वन, ये थोड़ा सिंपल है, आप लोग डेली भी इसको कैरी कर सकते हैं आई थिंक, देखती हूँ। वेट, डेली गलत वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि डेली आप लोग इतने बड़े बड़े इयररिंग्स नहीं पहन सकते हैं, भले कितने बच्चे दिखे तो या ट्रेडिशनल वेयर्स पे, कुर्तीज पे आप लोग आराम से पहन सकते हैं इनको। अरे निकल जाना, इसके हुक्स का जरूर प्रॉब्लम है, तीनों के, एक तो एक निकल नहीं रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वो, ठीक है। या वाओ, नाइस ना, हल्के हैं ये भी, बहुत हल्के हैं, लग ही नहीं रहा कि मैंने पहने हुए कान में। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये वीडियो बनाने के लिए। अभी ना मैंने मीशो के इतने सारे इयररिंग्स मंगा के दुकान भर दी है घर में, तो अगर मीशो वाले देख रहे हो तो मुझे आप लोग स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी, ठीक है, आपके सारे इयररिंग्स का प्रमोशन करके दूंगी मैं। जस्ट किडिंग गाइस, लेट इट गो। एंड आई थिंक आप लोगों को दिख ही रहा है ना कि कितने अच्छे दिख रहे हैं मुझ पर, तो ले सकते हैं आप लोग। लास्ट वाले कैसे हैं, नाइस, ओके। तो इस पे जो ग्लासेस बने हुए हैं उस पे आ गया है स्क्रैच, तो ये मैंने ओपन नहीं किया था बट थोड़ा सा एक स्क्रैच है इधर भी और इधर भी है, दोनों में भी है, तो दिस इज बैड थिंग। बट इयररिंग्स अच्छे हैं, मुझे ऐसे मिरर वर्क वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास शायद एक ही है बट ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट एक स्क्रैच आया है उतना ही है, मानना पड़ेगा भाई। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मीशो पे भी इम्प्रेस्ड हूँ और खुद की चॉइस पे भी हूँ, क्योंकि पैसे मैंने ही डाले। बहुत अच्छे हैं, आप लोग जरूर ले सकते हैं। ये भी हल्के हैं, सबसे बड़े हैं ये साइज में बट बहुत हल्के हैं। इस बॉक्स में चारों इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं एंड हल्के हैं सारे के सारे, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कि बहुत हेवी है ये है, बहुत कंफर्टेबल है, लेना है आप लोग जरूर ले सकते हैं। सबसे मजेदार बात तो अभी आती है प्राइस, प्राइस के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। दिस इज फॉर रुपीज 167, ठीक है 167 को है अभी भी करंटली प्राइस एट 167, ले सकते हैं आप लोग, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप लोगे ना तो यू विल बी रियली हैप्पी, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। एंड जरूर कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एंड कौन सी इयररिंग सबसे आपको पसंद आए, ये भी आके मुझे बता देना आप लोग। सो बाय बाय, टेक केयर।